नमस्कार। महान दार्शनिक रूमी कहते हैं कि आपको अपने अंदर प्यार को तलाश नहीं करना है, आपको अपने अंदर उन अवरोधकों को, उन बैरियर्स को तलाश करना है जो आपके अंदर प्यार को आने से रोकते हैं। तो अपने आप को इतना सरल बना लीजिए, इतना प्यारा इंसान बना लीजिए कि जब कोई प्यार दे तो उस प्यार को आप ले सकें और बदले में दुनिया में ढेर सारा प्यार बांट सकें। ऐसा ही एक प्यारा रिश्ता आपके तारे का है जो आज भी आपसे जुड़ रहा है, ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर स्वागत है जी। नमस्कार। तो सर सबसे पहले पंचांग की बात, जो कि हमारी परंपरा है, फिर हमारी और आपकी ढेर सारी बातें। आज 9 जुलाई 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। सावन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है सुबह 10:12 तक और उसके बाद पंचमी तिथि है। शतभिषा नक्षत्र है देर रात 3:09 तक और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि। तो हम बात कर रहे थे प्यार की। ये कोरोना का दौर है, हम नजर दौड़ाएं तो हम सब का कोई ना कोई जानने वाला कोरोना से पीड़ित जरूर रहा होगा। इस समय हर एक को जरूरत है प्यार की, विश्वास की। तो ये दौर है रिश्तों को मजबूत करने का, दूरी से ही सही लेकिन आपको ये एहसास कराना है कि हाँ आप अपनों के साथ हैं, जैसे हम और आप हर रोज साथ होते हैं। तो मेष और वृषभ, कैसे आपको आज के दिन का साथ निभाना है, ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के मन में आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। आपको लगता है कि आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा और इसी वजह से आपकी मेहनत में भी कमी आती चली जा रही है। ये दोधारी तलवार, नुकसान होता है इससे। अगर आप पैसे के प्रति अपने असंतोष को दूर कर लेंगे तो आपकी मेहनत भी उभर आएगी और उससे आपको फायदा भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्या करना चाहिए इस समय? गलतियां हम सबसे होती हैं पर समय के साथ उसका रंग और रूप बदलता रहता है। आपकी इस समय की गलती है कि आप अपनी चुनौतियों से दूर भाग जाना चाह रहे हैं, पर किसी भी समस्या का समाधान उससे दूर भाग जाने के बजाय उससे जूझ लेने से मिलता है। क्या न करें इस समय में? कामकाज से जुड़े हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की कमी ना आने। किसी भी काम को अपनी मेहनत से बढ़ावा देना अच्छी बात, पर एक कदम आगे बढ़ाकर दो कदम पीछे हटा लेना ये ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों की कामकाज के प्रति अपनी मेहनत बरकरार है पर लाभ को लेकर आप संतुष्ट नहीं। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि लोग आपको पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से घर परिवार में भी तकरार की स्थिति बनी रह सकती है। अगर इंसान अपनी उपलब्धियों को कमी की नजर से ही देखता चला जाए तो भी मन बुझा हुआ ही रहता। इन सारी चीजों की ओर ध्यान देना होगा और अपने विचारों को बदलने की कोशिश भी करनी। क्या करना चाहिए इस समय? कोई बड़ी उम्मीद लगाकर लोगों से तालमेल बढ़ाने से नुकसान ही होता है, क्योंकि ऐसा करते हुए आप किसी स्वार्थ के तहत अपना तालमेल बढ़ाना चाह रहे हैं। निस्वार्थ रूप से अगर आप अपनों से जुड़े तो लाभ भी होता है और जिंदगी की खुशियां भी बढ़ती। क्या न करें इस समय? आपकी मेहनत इस समय आपके कामकाज को सुधार रही है और तकदीर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद करती चली जा रही है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जब हालात आपके लिए हर तरह से अनुकूल बने हुए हों और ऐसे ही किसी अच्छे दौर में लापरवाही करके अपना नुकसान करना ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है दिनेश ढाल का। दिनेश ढाल, डेट ऑफ बर्थ 23/5/1987, 11:05 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 8 साल से जॉब कर रहे हैं और स्टेबल नहीं हो पाते हैं, बार बार जॉब इनको बदलनी पड़ती है और बकौल इनके ऑफिस पॉलिटिक्स इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो जानना ये चाहते हैं कि आप बिजनेस कर लें, हालांकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए मन में एक डर भी है। इन परिस्थितियों से कैसे बचें और क्या बिजनेस करें या जॉब में रहें तो किस सावधानी के साथ? दिनेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है राहु की जनवरी 2022 तक। 8 साल से कैरियर में समस्याओं से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। देखिए, सवाल तो आपने अच्छा पूछा कि कोई और जॉब मिल जाए तो परेशानियां ही दूर हो जाएं, लेकिन हमेशा ऐसी परिस्थिति बनी हुई नहीं होती। आज का दौर भी ऐसा है जो मुश्किल है हर एक के लिए, तो ऐसे में नई जॉब मिलना भी कठिन है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य अपनाना होगा। अब से 2 साल के आपको बेहतर जॉब भी मिल सकती है, उससे आपके कैरियर में सुधार भी हो सकता है। तो सारी चीजें जैसे आपकी पकड़ में आती चली जाए और बहुत कुछ आपको आगे बढ़ने में मदद भी करता चला जाए, तो इसलिए थोड़ा सा रुक जाइए और शांति रखिए। तो सलाह आपके लिए यही है कि थोड़ा धैर्य रखिए, ये समय भी ऐसा है, नई जॉब या स्विच करना रिस्की है बहुत ज्यादा।
तो इसलिए दो साल में आपकी जॉब भी संभलेगी, ग्रोथ भी मिलेगी और बेहतर मौका भी आपको मिल सकता है जॉब का, तो सब कुछ जॉब फ्रंट पे ठीक हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु मिथुन और कर्क, इनको आज के दिन कहां पर धैर्य रखना है और कहां पर दौड़कर काम करना है? मिथुन राशि वाले रिश्तों को किसी कमी की नजर से देखेंगे तो हालात भी आपका साथ नहीं देंगे और ऐसा लगता है जैसे आपके मन में छुपी हुई इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से आपके मन का भटकाव लगातार बना रहता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना हमेशा ही कठिन होगा। क्या करना चाहिए समुद्र? देखिए, इच्छाएं जो है वो मृग तृष्णा की तरह होती है, वो लगातार बढ़ती चली जाती है और आप लगातार उसके पीछे भागते चले जाते हैं, जिंदगी कट जाती है। जिंदगी में व्यवहारिकता अपनानी होगी और हर चीज में सुख और सुकून तलाशना होगा। क्या ना करें समुद्र? अगर किसी परेशानी में भी इंसान अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश कर ले तो परेशानियां भी इतनी बुरी नहीं लगती, और अगर परेशानियों को ही जरूरत से ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो कोई भी अच्छाई इंसान को सुख नहीं दे पाती। कर्क राशि वाले समझ लें कि नुकसान की चिंता लगाते चले जाना ठीक नहीं, बल्कि नुकसान क्यों हो रहा है इस बात की तह तक जाना होगा ताकि आप अपनी एकाग्रता बढ़ा पाए और अपने कामकाज को बढ़ावा देने का प्रयास कर पाए। थोड़ा सा आशावादी नजरिया तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय? आपकी क्षमताएं अच्छी हैं जिन्हें सही रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समय वैसे भी आपको इस रूप से मदद कर सकता है कि आप कुछ नया सीख लें और कुछ नया करने की कोशिश कर लें। मन में बिठाई हुई परेशानियों को हटाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको अपना रास्ता साफ नजर आएगा। क्या करना चाहिए समय? बहुत ज्यादा सोचकर आपने अपनी परेशानियां बढ़ाई हैं और लोगों पर ज्यादा भरोसा करके आपने अपना नुकसान भी कर किया है। इस समय ये दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिवर्तन लाने होंगे जो आपकी कमियों को सुधार सकें। तो ये दौर अपने अंदर कुछ सार्थक बदलाव करने का है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या की। तो सिंह और कन्या राशि, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। सिंह राशि वालों को लग रहा है कि आपके हालात लोगों की वजह से बिगड़ रहे हैं, जबकि ये आपके मन की उधेड़बुन जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। अगर इंसान अच्छी भली परिस्थितियों को भी कमी की नजर से देखना शुरू कर दे तो फिर परेशानियां ही हाथ लगती हैं। इसलिए भी आपको अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से देखने की आदत डालनी होगी। क्या करना चाहिए समूह? किसी भी तरह का जोखिम उठाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और इस चीज का बुरा असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। कोशिश ये करनी होगी कि रिश्तों में सहजता अपनाई जाए ताकि किसी भी स्थिति में विचारों के मतभेद से बचा जाए। क्या ना करें समूह में? ऐसे विचार ना बनाएं कि आप हर चीज में लाभ का ही सोचते चले जाएं। यहां तक कि लोगों को तकलीफ पहुंचाकर भी आप अपने लाभ का सोचो, और ऐसा करना कभी भी ठीक नहीं होता। हमेशा लोगों के खिलाफ सोचते चले जाना और उनको मुश्किलों में डालते चले जाना भी ठीक। कन्या राशि वालों को कामकाज से जुड़े अपने प्रदर्शन को सुधारने की जरूरत है, तभी जाकर आप अपने कामकाज के प्रति लगन पैदा कर पाएंगे और जिंदगी में कुछ बेहतर भी कर पाएंगे। पैसे के लेन देन को भी आपसी संबंधों के परिपेक्ष में देखना होगा ताकि पैसे से जुड़ा तनाव भी जिंदगी की बाकी चीजों पर बुरा असर न डालता चला जाए। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति मधुरता बनाए रखने का समय है ताकि रोजमर्रा की चुनौतियों को भी संभाला जा सके। किसी प्यार के रिश्ते की वजह से भी घर परिवार में तनाव का माहौल बना रह सकता है। हर चीज को मेहनत से संभालने की कोशिश कर लेंगे तो आपके प्रयास कारगर जरूर होंगे और रिश्तों को भी आप भलीभांति संभाल पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में लापरवाही ना बरतें और अपनी जिम्मेदारियों को लोगों के भरोसे ना छोड़ते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की नजरों में आपकी कमियां उभरती चली जाएंगी और इस समय वही ठीक नहीं। तो आगे बढ़कर अगले सवाल को लेते हैं, और अगला सवाल ज्योतिष गुरु है अनुराधा का। इनका जन्म हुआ 24 अक्टूबर 1993 होशियारपुर 7 बजे रात में। रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, बातचीत चलती है लेकिन बात कहीं फाइनल नहीं हो पा रही, जिसको लेकर पूरी फैमिली टेंशन में है। तो कब तक शादी होगी और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ये इनका आपसे सवाल। अनुराधा, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और कुंभ राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है बुध की January 2021। शादी की कोशिश के बावजूद कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है, इसलिए आपके घर में परिवार में तनाव होगा कि देरी होती चली जा रही। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, हर माँ बाप चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये सब हो जाए और सब ठीक ठाक हो जाए, पर अभी शायद उतना अच्छा समय बना हुआ नहीं है।
ये जरूर कहूंगा कि आने वाले 3-4 महीने में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं, बस उतना ही। पर शादी के लिए अनुकूल समय अभी 1.5 साल दूर है, लगभग नवंबर दिसंबर 2021 में शादी हो सकती है। तो नवंबर दिसंबर 2021 शादी का अच्छा समय है, लेकिन बातचीत अभी 4-5 महीनों में शुरू हो सकती है, ताकि ये जो तनाव बना हुआ है परिवार पर, ये तनाव थोड़ा कम हो जाए, कम से कम ये लगने लगे कि हाँ हम किसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम भी, और अब बढ़ते हुए बात करेंगे तुला और वृश्चिक की ज्योतिष गुरु से। तो बताइए सर, कैसा दिखता है आज का दिन, और इन परिस्थितियों में इन्हें क्या सावधानी बरतनी? तुला राशि वालों के अंदर मेहनत करने की क्षमता है, और थोड़ी सी कोशिश करने से आप अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकते हैं, और आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, यहाँ तक कि अपने अच्छे भले हालात को भी आप कोई ना कोई कमी की नजर से देख रहे हैं और अपने लिए परेशानियां ढूंढते चले जा रहे हैं। असंतुष्ट रहना कभी भी अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए समय? आपकी परेशानियों का एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने कई लोगों को नाराज कर रखा। अगर अपने व्यवहार को सख्त बना लिया जाए तो भी लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं, और इन्हीं कमियों की ओर ध्यान दे लेने की जरूरत है। क्या न करें समय में? घर परिवार की खुशियों को सिर्फ लाभ के संदर्भ में ना देखें। अगर लोगों से आपसी तालमेल बना रहे तो जिंदगी की कोई भी परिस्थिति संभाली जा सकती है। आपको भी अपनों की हर बात को समझना होगा और उनकी हर तरह की जरूरतों को पूरा करना होगा, ताकि लोग आपकी किसी बात में गलती ना निकालते चले जाएं। वृश्चिक राशि वाले ही समझ लें कि अपनों के प्रति सहनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी है, और कभी कभी खुद को दुखी करके भी लोगों को खुश करना पड़ता है। आप भी इस समय ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आपकी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है। क्या करना चाहिए समय? अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों को अपनी सूझबूझ से संभालने की कोशिश करनी होगी। कामकाज से जुड़े तकरार भी सहनशीलता बनाए रखने से ही संभल पाएंगे। लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छाई आपको वापस जरूर मिलेगी। क्या न करें समय में? आपकी मेहनत के बावजूद लोग आपसे नाराज हैं और आपकी अच्छाई को समझ नहीं पा रहे, और ऐसा लगता है आपने अपनी सारी मेहनत अपने कामकाज में लगा रखी है और लोगों को संभालने की दिशा में आपकी ओर से कमियां रही हैं, और इस समय उसी कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कामकाज तो आपने अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन रिश्तों को, लोगों को संभालने में कुछ कमियां रह गई हैं, उस तरफ आपको ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है अब धनु और मकर राशि आप पर, तो आपके लिए देखते हैं आज के दिन में कैसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और उन मौकों में आपको किस तरह से बर्ताव करना है, क्या करना है और किससे बचना है। धनु राशि वाले समझ लें कि लोगों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी, तभी जाकर आप अपने हालात को बेहतर कर पाएंगे, और लोगों का दिल जीतने के लिए उन पर भरोसा भी करना होगा। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, रिश्तों की मधुरता तब बनती है जब आप अपनों को समझने का प्रयास करें, और यह समय आपके लिए ऐसे मौके दे रहा है जो आप अपनों को बेहतर तरीके से समझ पाए और उनसे जुड़ भी पाए, पर अपने व्यवहार को उसी अनुपात में विनम्र बनाते चले जाना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या न करें समय? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के प्रयास में कोई बड़ा जोखिम उठाते चले जाना ठीक नहीं है, और लोगों से कोई बड़ी उम्मीद लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस समय लोगों की ओर से बनते हुए अविश्वास को भी जाहिर कर रहा। मकर राशि वाले ही समझ लें कि पूरी बात को समझे बिना जिंदगी में कई तरह की गलतियां हो जाती, पर किसी भी बात को समझने के लिए अपने विचारों में लचीलापन लाना बहुत जरूरी हो जाता। अपनी ही बात कहते चले जाने से बात बिगड़ सकती है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों में कौन पराया और परायों में कौन अपना है, इस बात को भली भांति समझ लें, ताकि रिश्तों को संभाले रखना आसान हो जाए। आपकी सूझबूझ के बावजूद विचारों का मतभेद बना रहना भी इस चीज का एक पहलू है, जिसमें रिश्तों को बेहतर तरीके से तो समझना ही पड़ेगा। क्या न करें समय में? अपना व्यवहार कुछ ऐसा बना लें कि लोग आपसे जुड़े रहें, जबकि इस समय आपका व्यवहार कुछ ऐसा है कि लोग आपसे खुश नहीं। जिंदगी में रिश्तों को ना संभाल पाना और दूरियां बनाते चले जाना भी बहुत बड़ी गलती होती है। तो किसी से आपकी दूरी ना बने, इसका आपको इस समय सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। फिलहाल आप सबका ख्याल रखते हुए, क्योंकि आपकी तारीफ सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की बात भी करता है, हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं। कुंभ और मीन, अब आपकी बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से, समझ लेते हैं आपके लिए आज का दिन कैसा है, फिर आपको समझाते हैं ज्योतिष गुरु के जरिए क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों के मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, जिसकी वजह से आप अपने हालात को संभाल नहीं पा रहे। किसी प्यार के रिश्ते में भी अविश्वास के बादल मंडरा रहे हैं, जबकि आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिला हुआ है।
फिर भी हालात बेकाबू होते चले जाते हैं। क्या करना चाहिए समय में? गलती भरे समय में हालात को संभालना बहुत कठिन होता है। फासले बनाने से भी बचना होगा और किसी से चुपती हुई बात कहने से भी बचना होगा, तभी जाकर उस तरह का भरोसा बन पाएगा जो जरूर। क्या ना करें समय में? नुकसान भरी परिस्थितियां लगातार बनी रहे तो बहुत तकलीफ होती है और उसका बुरा असर जिंदगी की और चीजों पर भी पड़ता चला जाता है। अपनी धुन में किसी गलती को बार बार दोहराते चले जाना इस समय ठीक नहीं। मीन राशि वालों का मन बहुत उचाट है और घर परिवार के सुख से भी आप वंचित होते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने कोई एक तरफा सोच बना ली और सिर्फ काम में ही इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि बाकी चीजों की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की अच्छाई तब बनती है जब सबको साथ लेकर चला जाए। खुशियों का माहौल बनाए रखने से ही आपसी तालमेल में सुधार हो पाता है। पहले से चला हुआ कोई अविश्वास है तो उसे भी दूर कर देने की जरूरत। क्या न करें समय में? अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति लापरवाह होते चले जाना ठीक नहीं है और जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसमें आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सोच रहे हो और जिसकी वजह से फिर कोई गलती होती चली जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जैकपॉट की और जानते हैं किसके नाम खुलने वाला है आज का ये जैकपॉट। सर, सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि रिश्तों को कमी की नजर से नहीं देखना चाहिए क्योंकि ऐसा करने की भी आदत पड़ जाती है। ये समय ऐसा है जिसमें रिश्तों को संभालना कठिन हो सकता है। ऐसे में अगर भरोसा टूट जाए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं और रिश्ते बिखर सकते हैं। तो रिश्ते ना बिखरने पाए इस समय ये सबके लिए बहुत जरूरी है। बहरहाल हमारा और आपका ये रिश्ता सालों से बरकरार है और सालों तक बरकरार रहेगा। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट www.aajtak.in/tare।